हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? अब हम बात करने वाले हैं रोज़ प्लांट की। मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं एक देसी रोज का प्लांट लेके आई थी, उसकी हम पॉटिंग मिक्स की बात कर लेते हैं। हमने 40% तो वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं और 50% ले रहे हैं हम नॉर्मल गार्डन सॉइल ले रहे हैं, और एक चम्मच या डेढ़ चम्मच हमने साफ का फंगीसाइड भी लिया है, और थोड़ी सी हम इसमें बोन मील भी लेंगे। ये देखिए, ये दो चम्मच के लगभग हमने बोन मील ले ली है। थोड़ी सी दो चार दाना मैं इसमें DAP के मिला दूंगी। जैसे कि आपको पता होगा, रोज़ प्लांट बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट होता है, इसे बहुत ज़्यादा ही खाने की ज़रूरत होती रहती है। हर 15 दिन से इसे हम वर्मी कंपोस्ट और DAP देते रहते हैं, और अभी सर्दी में तो ये हैवी ब्लूमिंग करने वाला है, तो इसे अच्छा खाना ही नहीं मिलेगा, तो फिर ये ब्लूमिंग कैसे करेगा। इसलिए अब हम इस मिट्टी को मिला लेते हैं। इसके लिए हमने 10 इंची का पोट लिया है। ये देखिए, रोज़ प्लांट को तो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा ही पोट चाहिए, क्योंकि छोटे पोट में फिर इसकी रूट्स है ना, ग्रोथ नहीं कर पाती है। इसलिए मैं रोज़ प्लांट को तो 10 इंच के या 12 इंच के गमले में ही लगाती हूँ। पहले मैंने 12 इंच के में लगा रखा है, लेकिन वो मेरे प्लांट बहुत दो साल पुराने हो गए हैं। मैंने उसे बहुत ही बड़े पॉट में लगा रखा है और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैं कभी आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि मेरे प्लांट बहुत अच्छी हैवी ब्लूमिंग करते हैं गर्मियों में भी। इसलिए अब मैं रोज़ प्लांट को तो बड़े गमले में ही लगाती हूँ। हम इसके डैमेज होल में हमने एक दिए का प्रयोग किया है, जिससे मैं इसके डैमेज होल को कवर कर दूंगी, और अब हम इस मिट्टी को इसमें आधा भर लेंगे, उसके बाद हम प्लांट को लगाएंगे, उसके बाद बाकी मिट्टी डालेंगे। देखिए गाइस, रोज़ प्लांट बहुत ही अच्छी रूटिंग हो रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हम इसके रूटिंग के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसको सीधा ही लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरीके से हम इसे बीच में लगा देंगे, फिर हम इसे ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए गाइस, रोज़ प्लांट लग के रेडी है। अब इसमें थोड़ी सी वाटरिंग कर देंगे, अब इसे सेट होने के लिए छाया वाली जगह में रख देंगे। जब ये मेरा देसी रोज़ का प्लांट ब्लूमिंग करेगा, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी गाइस इसकी ग्रोथ। सर्दियों का बहुत ही अच्छा प्लांट है, रोज़ सभी का फेवरेट भी होता है। रोज़ प्लांट ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ गाइस लाइक और शेयर करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस।